मेरे भाई वीडियो पर क्लिक कर चुके हो, मुझे देख रहे हो, तो पहले ही बता देता हूं ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। मुझे नहीं पता आज से पहले आपने ब्रह्मचर्य के कितने वीडियोस देखे, क्या क्या देखा, क्या सीखा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन आज से हम ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें सब कुछ स्टार्टिंग से बताया जाएगा। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ब्रह्मचर्य की शुरुआत गलत तरीके से करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि बस एक तारीख को डिसाइड कर लो कि महीने की कोई एक तारीख है या मंगलवार है या शनिवार है, कोई भी एक अच्छा दिन डिसाइड करो, उस दिन से बस वीर रोकना शुरू कर दो, हमें हस्त मैथुन नहीं करना है, बस वो यहीं तक ब्रह्मचर्य को समझते हैं। तो आप गलत है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से देखिएगा। ये शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है, मेरा भी इसमें अनुभव रहा है और मैंने जाना कि हाँ यार इसको किस तरीके से पालन किया जाता है। अड़चने बहुत सारी आएंगी लेकिन जो तपेगा वही निखरेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत आपको कैसे करनी है मेरे भाई, तो एक चीज समझ लो। देखो, ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म से जुड़ना, चर्या यानी कि उसमें विचरना, ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि बस वीर रोको हो गया। बहुत से भाई सोचते हैं बस वीर रोको, वीर बस दमन करो उस चीज का, उसको रोके रहो और बस हो गया ब्रह्मचर्य, तो ये नहीं है। शुरुआत आपको कैसे करनी है, अपने आप को स्वीकार करके, दृढ़ संकल्प लेके सुनते जाना। ये मत सोचना कि बस मजा नहीं आ रहा, काट के भग गए। बहुत से युवा भाई बस स्किप करने के चक्कर में ही रह जाते हैं। एक गंदा अश्लील वीडियो बिना स्किप करे देख लेंगे लेकिन एक अच्छा वीडियो ध्यान से नहीं देख पाते, और यही आपकी गलती है। देखिए, सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा। कैसे स्वीकार करना होगा, जब आपने हस्त मैथुन की शुरुआत करी थी उस समय में थोड़ा सा इमेजिन करके जाइएगा, ठीक है। जब आपने एक उम्र से हस्त मैथुन की शुरुआत की है, ठीक, अब लगातार 5 साल, किसी के 10 साल, अब आप कुछ भी पकड़ लें, 10 साल, 12 साल, 5 साल, ठीक है। अब आपने इतने सालों से हस्त मैथुन किया, अब आपको रियलाइज हुआ कि मैं पूरी तरीके से दलदल में फंस चुका हूं, अब मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत है, अब मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं। मैंने ब्रह्मचर्य मोटिवेशन की कोई वीडियो देख ली लेकिन उसमें तरीका नहीं बताया गया, बस एक मोटिवेशन दे दिया लेकिन तरीका क्या है। तो तरीका यह है मेरे भाई, सबसे पहले स्वीकार भाव। क्या करना है आपको, एक खाली कमरे का चयन करना है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। एक खाली कमरा होना चाहिए, ऐसा कोई भी खाली कमरा जो आपको चयन कर लेना है उसका, या आपका घर अगर छोटा है, ठीक, आपका घर अगर छोटा है, ज्यादा स्पेस उसमें नहीं है, एक कमरा आपके लिए उपलब्ध नहीं है, तो बाथरूम का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, नहाते समय भी आप इसका जो है आप ऐसा कर सकते हो। और अगर आपके पास कमरा अवेलेबल है तो उसमें थोड़ी देर शांति से बैठकर आपको वो 10 साल इमेजिन करने की आपने हस्त मैथुन की शुरुआत की, ठीक। सब कुछ सोचना है, कैसे ये आदत लगी, कौन से दोस्त की संगति में यह आदत लगी, किसने मुझे बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, क्यों बिगाड़ा, मैं कैसे फंसता चला गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे मैं फंसता चला गया, अब मैं इससे कैसे निकल सकता हूं, मैंने कितने पोर्न वीडियोस देखे, कौन कौन से पोर्न वीडियोस देखे। एक पोर्न पे क्लिक करता था तो लगातार और मन में चंचलता और बंदर भड़कता कि भाई और देखूं और देखूं और देखूं, कितने सारे देखे। आज दिमाग की बैंड बच चुकी है, आज किसी भी लड़की को देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि भैया उसको, उसके साथ में ये सब कर लो। मेरी बात को समझ रहे हो, तो ये सब आपको अपने अंदर इमेजिन करना है। अब अपने आप को स्वीकार कैसे करना है आपको, देखिए, जब मैंने ब्रह्मचर्य की शुरुआत की थी तो इसी तरीके से अकेले कमरे में बैठकर, हालांकि मेरे पास उपलब्ध है कमरा, तो शांति से बैठ के अच्छे से सोचने विचारने के बाद मैंने अपने आप को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया, कि मैं अपनी अंतरात्मा से, उस परमात्मा से अपनी की हुई गलती के लिए क्षमा मांगता हूं। अपने आप को स्वीकार करना है, भागना नहीं है। अगर भागोगे, वीर का दमन करोगे तो गलती करोगे, समझना बात को। मैं आप ये हाथ जोड़कर अपने आप से ही, अपनी बेटी अंतरात्मा से, अपने आप से और उस ऊपर वाले से मैं क्षमा मांगता हूं कि मुझसे, मैंने जो भी ये गलती करी, मैं बचपन में ये गलती कर गया, मुझे इसका एहसास नहीं था, मुझे सही शिक्षा नहीं मिल पाई, और जो भी मैंने किया, हाँ मेरे अंदर हवस भरी हुई है, स्वीकार करो। तुम ये नहीं भागोगे कि मैं हर किसी लड़की को बहन की नजर से देखो कि ये करो। तुम्हारे अंदर अगर मलिनता है, दिमाग में मैल है, तो तुम किसी लड़की को बहन की नजर से नहीं देख पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम बहन की नजर से देखो, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां कहेंगी कि वो बहन नहीं है तेरी सामने वाली, वो एक ऑब्जेक्ट है, एक इस्तेमाल करो और छोड़ दे, क्योंकि तुमने यही देखा है। तो स्वीकार करो अपने आप को, भागो मत।
अपने आप को ही स्वीकार करना है आपको। कैसे स्वीकार करना है? हाथ जोड़ेंगे, स्वीकार करेंगे अपने आप को कि हाँ मैं हवस का पुजारी हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको स्वीकार करना है मेरे अंदर हवस भरी हुई है, मेरे दिमाग में लाखों गंदे विचार आते हैं, मैं हर वक्त हस्त मैथुन करने के बारे में ही सोचता रहता हूं, हाँ ये सच्चाई है, मैं इस दलदल में फंस चुका हूं, हाँ ये सच्चाई है। लेकिन हाथ जोड़ते हुए अपने अंदर जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोलना, अपने अंदर आत्मा से अंदर ही अंदर बिल्कुल एक प्रकार से प्रायश्चित करते हुए कि लेकिन अब जो भी मैंने गलतियां करी इससे मुझे किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिला, मैं दलदल में फंसता चला गया, लेकिन अब ये जिंदगी मेरे हाथ में है, ठीक है ना, अब मुझे इसको बदलना है और ब्रह्मचर्य को मैं पालन करूंगा। आज से मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि चाहे कोई भी लड़की मेरे सामने आ जाए, चाहे कोई भी गंदा चित्रण मेरे सामने आ जाए, चाहे कोई भी फोटो आ जाए, चाहे वो कोई भी टीवी में एड आ जाए, चाहे बाहर कोई लड़की दिख जाए, कोई सुंदर लड़की दिख जाए, चाहे कोई हीरोइन दिख जाए, चाहे कुछ भी दिख जाए, मैं अपने ब्रह्मचर्य को डगमगाने नहीं दूंगा, ब्रह्मचर्य को टूटने नहीं दूंगा। मैं संकल्प लेता हूं, अपने आप से संकल्प लेता हूं, अपने माँ बाप की छवि अपने दिमाग में आपको बैठानी है, ठीक है ना, जिसका भी आप सबसे ज्यादा इस दुनिया में आदर करते हो, वो परम पिता से लेकर अपने माँ बाप तक, उनकी छवि आपको अपने दिमाग में लानी है कि मैं आज से ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता हूं, दृढ़ संकल्प लेता हूं। कोई भी लड़की, कोई भी इंस्टाग्राम की रील्स की छोरी, कोई भी नंगी पुंगी लड़की या कोई भी टीवी एड की लड़की मुझे भटका नहीं सकती मेरे लक्ष्य से। ये हाथ जोड़ के आपको एक प्रकार से अपने अंदर एक मोटिवेशन देते हुए अपने आप को स्वीकार करना है कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मेरे दिमाग में हवस है, मेरे शरीर में हवस है, मेरे अंग अंग में हवस है, लेकिन मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, बस भटक गया था अपने रास्ते से, इसलिए मैं इस चीज का प्रायश्चित करता हूं, जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूं, और आज से मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर नहीं समझ में आया हो वीडियो को फिर से देखो, अच्छे से देखो, और जो भी मैंने बोला है इसको आपको अपने अंदर ही अंदर बोलना है खाली बैठकर। अगर आपके पास कमरा उपलब्ध नहीं है तो आप, जैसे कि मैंने कहा, बाथरूम में नहाते टाइम भी हाथ जोड़कर बैठ जाएं और ठंडा पानी बिल्कुल सर के बीचों बीच डालें और हाथ जोड़कर आपको यही सब दोहराना है अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी के साथ कि मैं ब्रह्मचर्य का हूं बस, और किसी का भी नहीं, और मुझे कोई भी फटका नहीं सकता, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं और अब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो स्वीकार भाव दृढ़ संकल्प से शुरुआत करो। अब हम और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, ब्रह्मचर्य की दिनचर्या पर मैं वीडियो लाऊंगा, उसके बाद ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन, योग, एक्सरसाइज, अब हम सब पर वीडियो लाएंगे। ब्रह्मचर्य की इस न्यू सीरीज में हम पूरी दृढ़ता के साथ, एक संकल्प के साथ अब शुरुआत करेंगे। जितने भी भाई हैं हमारे साथ जुड़ जाओ, चाहे आपका ब्रह्मचर्य टूट रहा हो, चाहे आपका ब्रह्मचर्य बहुत आगे चला गया हो, आपको बेनिफिट भी मिल रहे हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अब शुरुआत होगी वीर से ओजस तक की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य।